और ये देखो सब्जियों के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क बुनाई भी, जिसकी हमने मूवी भी देखी थी। सही नहीं है, छोटी है और वैसे भी लेंथ में भी छोटी है। नहीं पहन, मेरा सूप बनने लग रहा है। अच्छा व्यू नहीं, ले के बीच में ये जगह भी है और ये ना हम मेन मार्केट की जगह पर हैं और यहाँ पे कुछ बोर्ड, यहाँ पे शायद यहाँ से बसें वसें मिलती हैं आने जाने की। इधर वो था बस स्टैंड, दूसरी जगह जो अभी मैंने दिखाया, और ये हिल स्टेशन पे ऊपर जो घर वर बने हुए। फाइनली हम पहुँच गए हैं ले, और ले में हमें मिल गया रूम। रूम ढूँढा है काफ़ी देर तक, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा व्यू वाला रूम मिल गया है। और अभी तोमर साहब जी तो नहा के आ चुके हैं, अब जाने की प्लान कर रहे हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है और क्या यूनिक है तो वो ख़रीदा जा सकता है। अगर जो उधर दिल्ली साइड और उधर की साइड भी मिलता है वो चीज़ें यहाँ से ढोके ले जाना, मैं तो समझती हूँ कोई गुड ऑप्शन होता है। लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ का नज़ारा, रूम से कैसे दिखाई दे रहा है बाहर का। रूम से तो ये पहाड़ों पे बने हुए थोड़े से घर हैं, वो भी पहाड़ी एरिया। इधर लेह सिटी है, इधर की साइड जो ये रास्ते से गाड़ियाँ आ रही है ना, इधर से लेह सिटी है, उधर जाना पड़ेगा। और घूम कर आते हैं लेह सिटी और इधर पूरा हिली एरिया। तो कितनी देर में चल रहे हैं? थोड़ा सा तो रेस्ट कर लिया, अब तो चले, फिर ज़्यादा देर हो जाएगी। घूम घाम कर आते हैं फिर रेस्ट करते हैं। चलता है भाई, बिल्कुल चलता है, टाइम नहीं है। चलो फिर, थोड़े से तिरछे तिरछे रखे ना, ये सबको ठीक कर रहा हूँ। अच्छा एडिटिंग, एडिटिंग नहीं, वो फोटो वीडियो। अच्छा फोटो ऐसे बननी चाहिए थी, वो ऐसे बन गई, रोटेट हो गई। अब सारी रोटेट कर रहा हूँ जो जो नहीं बनी है ना। ठीक है ओके। हमने अपनी गाड़ी तो वहाँ खड़ी कर दी है और इधर से शॉर्टकट इस होटल का, इधर से वैसे घूम के उधर से आना होता है, उधर सीढ़ियाँ हैं, बाकी यहाँ है। ये इसका डोर है और यहाँ पर तोमर साहब जी, और ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस। और बस फिर यहाँ पे रिसेप्शन है और इधर स्टेयर से लेकर ऊपर हमारा, फिर रूम का बाद में जब ऊपर जाएंगे तब दिखाती हूँ। और सांस की तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ही। और अभी निकल रहे हैं यहाँ के मार्केट में, ले का मार्केट देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नया है, या जैसा और जगह पे है सेम ऐसा ही है, देखते हैं। और सारी चीज़ें काफ़ी ऊंचाई पे है। चलो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आगे मार्केट में। लोकल मार्केट, यहाँ पे ये सारा सामान। सब्जियों के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क बुनाई भी, और सेम ये भी यही काम कर कि सब्जियां भी और बुनाई भी साथ में। जिसको काम करना है होता है वो कहीं भी कर सकता है।
ओ, जिसके हमने मूवी भी देखी थी यहाँ से लेके। सोनी हेलो, थैंक यू। ये देखो कितना बढ़िया फोटो आ रहा है, एक्सीलेंट, आई लव लद्दाख। अच्छा सोनी मेरा भी लेगी, इतने दूर से मेरा भी एक ऐसे लो, वीडियो चलते चलते ना यहाँ पे टिक कर देना, बस वो आ जाएगी। पूरा ऊपर तक लेना है ना, पूरा ही, थोड़ा सा पीछे जाना है बस। ओवरऑल ये मार्केट है यहाँ का, मतलब सारी चीजें ऐसी हैं। हमने कुछ बच्चों के टी शर्ट्स लिए हैं, ज्यादा कुछ ले नहीं पाए क्योंकि अच्छा ही नहीं मिला मुझे तो कुछ भी यहाँ पे, मैं सही बताऊँ तो। सोनी देखो आगे ईगल कितना अच्छा बना हुआ है। इस एरिया का नाम कांग्रेस ऑफिस बोला, कांग्रेस ऑफिस के पास आओ बोला। कोई बात चलो अच्छा हाँ गोलगप्पे खिलाऊंगा। और ये हमारी दो कहवा टी आ चुकी है और हम दोनों भी रेडी हैं पीने के लिए, मैं इधर और तोमर साहब जी इधर फोन में। तुम्हारी फोटो एडिट करो अच्छी आएगी। ओह आई लव लद्दाख। और अभी इनके मोमोज रह रहे हैं वो आने वाले हैं। मोमोज आ गए हैं, स्टीम वेजी, वेजी मोमोज है ना। और ये चटनी, ये चटनी क्या मुझे तो सब्जी से लग रही है, कुछ अलग है। अब मुझे खाकर आप बताओगे कि कैसी है। नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, बिल्कुल गिलगिले से लग रहे थे। कच्चे तो नहीं है, गर्म हो गए। कैसा है चटनी, ये चटनी बताओ कैसी है। कुछ यूनिक ऐसी दिल्ली में तो नहीं खाई, सच में बता ना। कहीं पे भी नहीं खाई, ये चम्मच देना। ये इस तरह ये चटनी कैसी बनी है, मतलब किस चीज की बनी होती है, लोकल किस चीज की बनती है, मतलब बहुत टेस्टी है। ये नहीं पता आपको किस चीज से बनाते हैं। सूखी मिर्ची से, सूखा मिर्ची टेस्ट आता है पर है बहुत अच्छी। लो सोनी अब चख के देखो। ऐसा नहीं चाहिए, सूखा मिर्ची डालता है, नमक डालता है। सही में चटनी सॉसेज बहुत तरह के खाए हैं लेकिन ये पहली बार खाया है, पता ही नहीं चला मुझे कि इसके अंदर है क्या क्या। नहीं तो मैं ज़्यादातर टेस्ट करके चीज़ों में बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें। मिर्ची तो बहुत लग रही है, लेकिन पता नहीं इसमें कुछ खड़ा खड़ा सा मसाला आ रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा कि डला हुआ था। सही नहीं है, छोटी है और वैसे भी लेंथ में भी छोटी है, नहीं पहनने चौड़ी भी छोटी है, नीचे भी लंबी चाहिए। ये लंबाई में छोटी है भैया, वो लंबाई उनको बहुत ही होती है, उनका बस चले हाथ का सारा स्टॉक, जैकेट्स वगैरह, फिर वो कैप देखते हो सोनी पापा से। इसमें बड़ा है ही नहीं, नहीं नहीं इसमें। और हम लेह गेट के जस्ट बराबर में हमारा होटल है, ये लेह गेट का जो है वो दरवाज़ा है, ले गेट बोला जाता है इसको। और हम इसके जस्ट यहीं पे पास में ही हमारा रूम है और पुराना बस स्टैंड भी बोला जाता है, यहीं पे बस स्टैंड भी है। और जो आपको दिन में दिखाया था ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उधर तो कुछ है ही नहीं है, रेत वेत सा खाली बंजर सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हर जगह लाइटनिंग है, जहाँ भी आप देखोगे लाइटनिंग, उधर दूर भी लाइटनिंग है। और अभी मार्केट से आने के बाद, मार्केट में आकर हमें 7:30 बज गए थे और 7:30 बजे आने के बाद पहले सबसे बात करी और बात करने के बाद अभी मेरा सूप बनने लग रहा है, यहाँ पे अच्छे से बनने लग रहा है। अभी सूप पियेंगे, फिर उसके बाद आटा नूडल खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हम बाहर भी खा कर आ गए थे तो अब भूख इतनी है। फिर सुबह को उठेंगे अब फटाफट से ये करके, फिर सुबह देखते हैं किस टाइम से निकलेंगे, सुबह सो जाएं, जल्दी निकल के जाएं और जल्दी से यहाँ का सारा एरिया कवर कर ले।
सूप इज़ रेडी और अब हम इस सूप को फटाफट ठंडे मौसम में सूप का मज़ा ही, और कुछ पहाड़ों के साथ तो मज़ा ही बहुत है। चलो अब हम पीते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ। लेह लद्दाख से जुड़ी हुई और बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोनी तोमर पर जाकर देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।